सो गाइज, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने सिंपल ब्लूटूथ ईयरफोन को कैसे वायरलेस माइक बनाएं। दोस्तों, मेरे पास जो ब्लूटूथ ईयरफोन है वो है सैमसंग लेवल U2। सिंपल कुछ ट्रिक है, उसके ज़रिए आप अपने किसी भी ब्लूटूथ ईयरफोन को माइक बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल सुजय। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे मेरे पास बोया M1 माइक भी है। दोस्तों, अगर आप एक क्रिएटर हो तो ये बात आपके दिमाग में ज़रूर कभी ना कभी आई होगी कि अगर मैं अपने ब्लूटूथ ईयरफोन को माइक की तरह यूज़ कर पाता तो बहुत ही बढ़िया होता। मैं भी एक क्रिएटर हूँ, मैं भी यूट्यूब क्रिएटर हूँ और मुझे भी ये चीज़ महसूस हुआ है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस बारे में और सवेरे ही मुझे रिज़ल्ट मिला, और रिज़ल्ट मिलने की वजह से मैंने सोचा कि मेरे दोस्तों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ। हो सके कि किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही हो, वो मेरे इस वीडियो को देख करके अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। इसीलिए गाइज मैंने आज का ये वीडियो अपलोड किया है। गाइज, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है और वीडियो को एडिट करने के बाद हम लोगों को साउंड क्लियरली आएगा या फिर नहीं, लेकिन इसका भी एक्सपीरियंस हम लोगों को मालूम चल जाएगा इस वीडियो में। ये वीडियो कम्प्लीट मैंने अपने इसी ब्लूटूथ ईयरफोन से ही रिकॉर्ड किया है। इसका ऑडियो कम्प्लीट मैंने इसी ब्लूटूथ से ही रिकॉर्ड किया हुआ है, और मेरे जो भी बाकी वीडियोस है वो मेरे कोई वीडियो मेरे बोया M1 माइक से रिकॉर्ड हुआ है और कोई मेरे दूसरे माइक से रिकॉर्ड हुआ है, बट ये जो वीडियो है ये कम्प्लीट शुरू से लेकर के लास्ट तक मेरे ब्लूटूथ के ही ईयरफोन से रिकॉर्ड किया हुआ है। गाइज, मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मेरे पास जितने भी माइक है मैं सभी माइकों का साउंड आपको क्लियरली सुना दूंगा और आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा माइक हम लोगों को परचेस करना चाहिए अगर आप माइक परचेस करना चाहते हैं तो। एक एप्लीकेशन हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने ब्लूटूथ ईयरफोन को माइक बनाने के लिए, एक एप्लीकेशन हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइज, फाइनली हम लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को सबसे पहले ओपन कर लेना है अपना प्ले स्टोर। जैसा कि गाइस देख सकते हैं, हमने ओपन कर लिया है अपना प्ले स्टोर, और सर्च बॉक्स में हम लोगों को टाइप कर देना है BT Mono। सो गाइस देख सकते हैं, ये पहला जो एप्लीकेशन है यही हम लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। गाइस आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, आपने भी इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद कुछ आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। गाइस आप देख सकते हैं ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। वैसे ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा एड उड चालू कर देता है। अच्छा, तो अब हमने करना क्या है, गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर जो है कुछ इस तरह का आपको पहले दिखेगा। अब आपने क्या करना है, अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेना है। फर्स्ट आपने अपने ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट कर लेना है अपने मोबाइल के साथ में। सो गाइज आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। गाइज आप देख सकते हैं ब्लूटूथ मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर ऑफ का ऑप्शन है और यहाँ पर ऑन का ऑप्शन है, हमने यहाँ से ऑन कर दिया है। जैसे ही हमने यहाँ से ऑन कर दिया, गाइज आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। बस जस्ट हमने इतना ही करना है, और इसके बाद हमने ओपन कर लेना है अपना ओपन कैमरा एप्लीकेशन। गाइज अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपको मालूम है कि किस तरह से हमने अपने ओपन कैमरा एप्लीकेशन को यूज़ करना है, और नहीं मालूम है तो यूट्यूब जिंदाबाद। सो फाइनली दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे दिए गए किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।